बिगली आज का इलेक्शन सिलेक्शन वो जो अपन ने कड़ी चलाई है बढ़िया स्टॉक पिकिंग की पोजिशनली उसकी शुरुआत कर दी जाए इस समय। और आज लेना है सचिन और मयूरेश से, आप लोगों के पास 30-30 सेकंड है बढ़िया से जस्टिफाई करके बताने के लिए। सचिन कौन सा इलेक्शन सिलेक्शन? आशीष जी यहाँ पर IRCTC का ही स्ट्रक्चर काफी शानदार है। इनफैक्ट काफी समय से ये एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन में था, लगभग 900 के आसपास इसने वापस अपने बेस को एलिवेट कर दिया है। एंड जिस तरीके से वीकली और मंथली स्ट्रक्चर पे फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है बुलिश यू नो फ्लैग फॉर्मेशन से, तो मुझे लग रहा है ये रैली काफी सस्टेनेबल होगी। लगभग 1240 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजिशंस अक्यूमुलेट करने चाहिए। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 960 यू नो पोजिशनिंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 880 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। बिल्कुल ठीक, तो ये मयूरेश का आज का पिक था जो सचिन के रडार पे आया। मयूरेश आप भी अपोलो हॉस्पिटल लेके आए हैं क्या? स्टॉक अच्छा लग रहा है, सो आई थिंक जितने परसेंट इन्होंने बेचा है। अच्छा आज का पिक आपका तो L&T समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग। हमें लगता है कैपिटल गुड स्पेस में लार्सन जो एक प्रॉक्सी है इंडियन इकोनॉमी की, इसको जरूर ध्यान पे रखना चाहिए। पुलबैक्स पे ये आपके वॉचलिस्ट पे जरूर होना चाहिए। ऑर्डर बुक अच्छा है, जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं वो है वर्किंग कैपिटल को लेके, मार्जिन परफॉर्मेंस को लेके ये ठीक ठाक होना चाहिए। ऑब्वियसली ये क्वार्टर में एज द इलेक्शन सीजन हैज बिगन, ऑर्डर इनफ्लोज ये क्वार्टर में शायद लैग के साथ आएंगे, बट वंस द इलेक्शंस आर ओवर हमें लगता है आई थिंक डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑर्डर्स इंटरनेशनल ऑर्डर्स शुड कम बैक विद अ बैंग। तो हमें लगता है आई थिंक एक लार्ज कैप स्टॉक जहाँ पे सारे पैरामीटर्स जो हम देखते हैं मार्केट्स में तुम्हें मीट हो रहे हैं पुलबैक्स पे जरूर देखा जा सकता है। लखे कोई IRCTC कोई लार्सन एंड टूब्रो रडार पे। इस नोट पर ट्रांजिशन कर लेते हैं पहला सौदा में। ये है पहला सौदा CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की, लेकिन पहले हेडलाइंस। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।